भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के आस्था कण से है। हमें हमारी गहरी आस्था है भगवान राम में और उनके मंदिर के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो पीछे क्यों हट रही है? पीछे नहीं हट रही, अभी थोड़े दिनों अपने आप देख लेंगे। नहीं, कोर्ट का आदेश, जबकि SC ST मामला था, उसमें खुद कानून बनाया, नियम बनाया और उसको लागू कर दिया, लेकिन जब मुद्दा आपका आता है, चुनावी मुद्दा आता है, तो राम ही क्यों याद आते हैं भाजपा को? राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है और हम राम मंदिर के भव्य निर्माण के प्रति कृत संकल्प हैं। अगर राम मंदिर के प्रति आपकी भाजपा की नीयत सही है, तो आपके ही पार्टी के कुछ नेता आपके खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। कहे कि किस बात की गलत बयानी? ये राम मंदिर से मुद्दे से भटक रही है भाजपा। नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और वो उसका इंतजार करिए। नहीं, जब SC ST कानून लिया है आप, तो उस संसद में इस तरह का कानून क्यों नहीं ले आते हैं जो मंदिर बन जाए? थोड़ा इंतजार करिए, इतनी जल्द जो विवादित विषय होते हैं उन पर इतनी जल्द निर्णय नहीं लिया जाता। नहीं तो SC ST विवादित विषय नहीं था। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। जब से 2014 में केंद्र में सरकार बनी और 2017 में प्रदेश में, लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं और विकास का मुद्दा लेकर हम जनता के बीच में उतरे हैं और जनता ने विश्वास किया है। हम लोगों को दोनों जगह सरकार दिया है, लगातार काम कर रहे हैं उनके विकास के लिए और करेंगे भी। इसलिए जब से हम 2014 में केंद्र में आए हैं, लोगों को आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में होगा और भुगतान केंद्र सरकार करेगी। नहीं उसमें भी, और उसके बाद जो हम लोगों ने वादा किया था किसान कर्ज माफी का, तो पहला वर्ष किसानों के नाम समर्पित किया और 36,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्ज माफी में दिया। लेकिन सामूहिक विवाह भी किए जा रहे हैं, गरीबों को इसका लाभ भी मिल रहा है। पिछली सरकारों में धनराशि 20,000 थी, हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 35,000 रुपए किया।